देश भले ही महंगाई और मंदी को लेकर परेशान हो, लेकिन शेयर बाजार पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। पश्चिम एशिया में भी शांति की उम्मीद दिखाई दे रही है, जिससे शेयर बाजार में आज भी तेजी नजर आई और बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 260 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 73 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। अमेरिका और चीन के बीच इस हफ्ते ट्रेड डील होने की उम्मीद के बाद अमेरिकी शेयर बाजार कल तेजी के साथ बंद हुए और आज एशियाई बाजार तेजी के साथ खुले। इस बीच शुक्रवार को देश में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें 3 महीने की गिरावट के बाद दिसंबर में 1.8% की ग्रोथ देखी गई। जब ये आंकड़े सामने आए तब शेयर बाजार बंद हो चुका था। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद जब आज शेयर बाजार खुला तो इसका असर सेंसेक्स पर दिखा और सेंसेक्स सुबह 188 अंकों की तेजी के साथ 41,788 अंक पर खुला। सेंसेक्स आज पूरे दिन हरे निशान पर ही बना रहा। सेंसेक्स में आज पूरे दिन ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा और ये आज दिन में 41,721 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुंचने के बाद 41,900 अंक के अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा और बाद में 260 अंकों की तेजी के साथ 41,860 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों के शेयर तेजी में और 7 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी इंफोसिस के शेयर 4.76% की रही, जबकि टीसीएस के शेयर 1.03% की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 40 अंकों की तेजी के साथ 12,297 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान ये 12,338 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बाद में 12,286 अंक के दिन के निचले स्तर से होता हुआ 73 अंकों की तेजी के साथ 12,330 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 36 कंपनियों के शेयर हरे निशान में और 14 के लाल निशान में रहे। विदेशी बाजारों में जापान का निक्की 0.47%, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.75%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.04% और हांगकांग का हैंगसेंग 1.11% की तेजी के साथ बंद हुआ, जबकि यूरोप में शुरुआती कारोबार में ब्रिटेन का FTSE 0.56% और जर्मनी का डेक्स 0.14% मजबूत हुआ। डीवी लाइफ की रिपोर्ट।